बिखरे हुए बाग उजड़े हुए मोहब्बत जो मेरा सहारा है, लम्हे ये कैसे, ख्वाब ये कैसे, ख्यालों में कोई जिंदगी, खामोशी ये कैसे, तन्हाई ये कैसे, ये हुस्न ये शबाब ये अंदाज़े गुफ्तगु जी चाहता है आपसे बातें किया करूं मत घबराओ सोनी अरे अब मैं वो विकी नहीं रहा अब मैं तुम्हारा पति हूं सोनी मेरे करीब आओ आओ ना देखा मैंने कहा था ना कि दुनिया की हर चीज बिकाऊ होती है बस खरीदने वाले का जिगर होना चाहिए और आज मैंने तुम्हें खरीद लिया है अब तुम जिंदगी भर मेरे इशारों पर नाचोगी जिंदगी भर मेरे इशारों पर नाचोगी लेकिन आपने मुझसे शादी की है सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे थप्पड़ का जवाब देने के लिए अब तुम जिंदगी भर मेरे पैरों की जूती बनकर रहोगी मेरे पैरों की जूती बनकर रहोगी कॉन्ग्रेट्स विक्रम कॉन्ग्रेट्स आखिर इस तितली को तुमने अपने कब्जे में कर ही लिया क्यों सिर्फ उसका गुरूर तोड़ने के लिए शादी एक प्यार का सौदा होता है मगर ये एक नफरत का सौदा था वो मुझसे नफरत करती है और मैं उससे शादी के वो फेरे नहीं उसके पैरों की जंजीरें थी जिसमें बंधी वो मेरे कदमों में
उसे सख्त से सख्त कर चीरेगी। ये खुशखबरी दादाजी को तो दे दूं कि मैंने शादी कर ली है। हेलो दादाजी, आपके लिए एक खुशखबरी है। दादाजी मैंने शादी कर ली है। कल रात मुंबई की फ्लाइट से मैं आपकी बहू को लेके आ रहा हूँ। दादाजी बाकी की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है? बाय। दादाजी आपको बहू मिल गई और आपके घर को नौकरानी। अब तुम जिंदगी भर मेरे पैरों की चोटी बन चोटी बनकर रमन कर रहो। Thank you.
चलो। गटर में क्या है? जी, जी कुछ नहीं। चला मुझे दे। नहीं। छोड़ दो, मेरी गटरी छोड़ दो। काजल, मुझे बचा लो। तू कौन है? मैं? ए तू बीच में मत बोल। ठीक है, मैं बीच में नहीं आता, तुम लोग साइड में आ जाओ। तेरी तो ये काजल कहां चली गई? हाँ बोलिए। सनी। अरे सनी भाई। अरे सनी है मेरा नाम और करता हूँ आपको सलाम। अब तक 753 शादियां करा चुका हूँ और आप लोग भी यहाँ शादी कराने आए ना। टे म्यूजिक। खुद भले ही कवारा लेकिन आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। मगर हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। 2 मिनट के अंदर शादी करवा दूंगा। बोलिए कैसी शादी करवानी आपको? रजिस्टर मैरिज करवाएंगे या बहन जी के साथ साथ फेरे लेंगे या फिर इनको वरमाला पहना देंगे? बताइए आप कैसे करना चाहते हैं? हाँ भैया, मैरिज ब्यूरो है ये, आपके सपने यहाँ पूरे करते हैं हम। अरे आप बोलिए तो, टोली में जाना चाहेंगे या सजी सजाई गाड़ी में? तुरंत सारा का सारा इंतजाम रेडी है। देखिए हमें तो रजिस्टर मैरिज करनी है और हमारे पास गवाह भी नहीं है। अरे मैं हूँ ना, सारा का सारा इंतजाम करवा देंगे आपका। और मुझे पता है इस वक्त तो आपका कोई रिश्तेदार भी आपके साथ नहीं होगा, तो हमारे पास तो आपके पिताजी मिल जाएंगे और ये आपका भाई बनेगा। मैंने कहा ना सारा इंतजाम है यहाँ। जाइए यहाँ से, सीधा जाइए, सीधा अंदर चले जाइए। आज की मेरी दूसरी क्लाइंट है।
चलो भैया, ऑल द बेस्ट, आपको शादी मुबारक हो। थैंक यू सनी। वेलकम। अपने किसी दोस्त को भी करवानी हो तो यहीं भेजिएगा। इनको देख के एक शेर याद आ गया, ताजमहल देख के बादशाह बोला, भैया गर्लफ्रेंड के चक्कर में बहुत खर्चा हो गया, चल ली कभी। हेलो, सनी है मेरा नाम और करता हूं आपको सलाम। अरे आप तो रो रही हैं। जी नहीं, माफ कीजिएगा, आप जिसका इंतजार कर रही हैं मुझे नहीं लगता वो अब आएगा। क्या? नहीं नहीं, देखिए आप रोइए मत, हो सकता है उसके यहां तक ना पहुंच पाने में उसकी कोई मजबूरी रही हो। इसका मतलब यह नहीं कि वो बेवफा है। जी देखिए, मैं यहां किसी का इंतजार नहीं कर रही हूं। देखिए देखिए, मैं आपको काफी देर से देख रहा हूं, आप यहीं पर बैठी हैं और देखिए अब तो रात होने वाली है, सब लोग अपनी दुकानें बंद करके जाने वाले हैं। जी? अब माफ कीजिएगा, अब तक आपको घर लौट जाना चाहिए। देखिए मेरा कोई घर नहीं है। क्या? हाँ, मैं किसी को नहीं जानती। तो फिर आप रहेंगी कहाँ? पता नहीं। सुनिए, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे आप इस शहर को जानती नहीं। लेकिन एक ही दिन में मैं इस शहर को जानने लगी हूं। या सनी, तू इन अम्मी के घर ले जा, शायद वो इन्हें अपने घर रख लेगी। वो तो ठीक है, मगर अम्मी इसे इन कपड़ों में देखेगी तो क्या सोचेगी? यार इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। चलो। अब आपका क्या पूरी रात यहीं बिताने का इरादा है? अगर आपने एक ही दिन में पूरे शहर को जान लिया है तो अब आपकी समझ में यह भी आ जाना चाहिए कि इस शहर में अगर कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। चलो, वैसे वहां रहने के लिए आपको अम्मी का दिल जीतना भी बहुत जरूरी है। या अल्लाह, तो हम सब के घरों में खुशहाली दे दे, हम सब के दिलों में सुकून और अमन दे दे, हम सब की हिफाजत कर। या अल्लाह, भटके हुए उनको रास्ता दिखा, हम सब पे रहम और करम कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। अम्मी, सनी का सलाम कबूल कीजिए। सनी, ये तू फिर आज किसे ले आया? अम्मी, ये वो। देख सनी, अगर तूने शादी करवाने का धंधा शुरू किया है तो मेरे घर को सराय समझ रखा है। अम्मी अल्लाह कसम, अभी तक मैंने इसकी शादी नहीं कराई। अरे सनी, ये लड़की कौन है? अरे भैया, ये लड़की सड़क पर भटक रही थी, मैं ये सोच के ले आया कि अम्मी अपनी शरण में ले लेंगी। देख सनी, तेरे कहने पे मैंने पायल और मैगी को इस घर में रखा, और अब
आएगी अब तक घर नहीं आई है। अब इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। लेकिन इस शहर में मेरा कोई नहीं है। ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ कोई जगह नहीं। ठीक है भाई, अब तुम्हें अपना इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। अम्मी के यहाँ तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चलो भाई जाओ। ए लड़की रुक। जरा हमें बताओ कहानी बुरा।